हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, आज है वट सावित्री पूजा, तो घर के काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करके रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए ससुराल। तो पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए वो सारा इकट्ठा कर लिया है। बच्चे नहा के आ रहे हैं, तब तक उनको भी रेडी करूँगी। तो पूजा में पहनने वाली साड़ी और ज्वेलरी वगैरह सारा इकट्ठा कर लूँगी। तब तक बच्चे आ जाएंगे, उनको भी तैयार कर देंगे और शाम को वापस भी लौटना है। तो बस पूजा की ही सामान पैक करूँगी और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। बस बच्चों की चोटियाँ करके, और आज मौसम मॉर्निंग में ही मैं थोड़े कपड़े पड़े हुए थे, मैं मॉर्निंग में जल्दी ही उठ के कपड़े धुल के मैंने पीहू को दिया कि डाल दो जाके, मैं जल्दी से और काम कर लूँ। तो बारिश होने लगी तो पीहू ने फिर नहीं डाला। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब रुक गई, मैं फिर डालने गई, वैसे फिर स्टार्ट हो गई। मुझे लगा आज मैं ना जा ही नहीं पाऊँगी। खैर, थोड़ी देर बाद बंद हो गई। जब तक मैं इन सबको तैयार करी और ख़ुद तैयार हुई पैक किया, तब तक मौसम थोड़ा खुल गया था। मुझे डर लग रहा था कहीं जा ना पाऊँगी, फिर यहाँ की भी तैयारी जो है रह जाएगी और वहाँ की भी रह जाएगी। तो अब तैयारी हो चुकी है, जा रहे हैं, बस निकलते हैं। और रास्ते में करीब 7:15 बज रहा था जब मैं निकली थी, तो बहुत सारी औरतें पूजा कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि जिनके हस्बैंड निकलते हैं ऑफिस वगैरह के 9:30-10 बजे, तो वो जल्दी उठ के मॉर्निंग में इसीलिए पूजा कर लेती हैं। तो 7 बजे कर रही थी और प्यास भी लगती है। अभी जब मैं निकल रही थी ना, तो हल्की हल्की सी धूप निकलना स्टार्ट हुई थी, ऐसे बारिश की वजह से नहीं निकली हुई थी। और घर आके मेरे सारे लोग तैयार हो चुके हैं, मम्मी, मैं, देवरानी। और जब मैं आई थी तो मम्मी पूजा की सामान बना रही थी, फिर मैं भी पूजा की सामान बनाने लगी। कुछ जो माला पहने जाते वो नहीं बने हुए थे, वो मैंने बनाए। और फिर रेडी हो गए सारे लोग, और हम सबको 2 लोगों की एक्स्ट्रा भी पूजा करनी है, तो उसके लिए सारा सामान पैक कर लिया है। तो अब सामान पैक करके निकलते हैं बाहर। भैया और शर्मा जी दोनों लोग लेके जाएंगे। बच्चे सारे जाने को तैयार बैठे हैं, पर थोड़ा दूर है तो उनको कहाँ ले जाते, तो बस पीहू जा रही है, क्योंकि फिर शर्मा जी तो वीडियो शूट करेंगे नहीं। तो मैंने बोला पीहू चले, तो पीहू के साथ धैर्य भी तैयार है। तो कुहू और काव्या घर पे रुकी हुई हैं, वो अपने छोटे भाई को देखेंगी अगर वो जग गया। अभी तो सो गया है, तो सोया रहेगा। वैसे जब मैं हम लोग लौट के आए तो जग चुका था, पर उसमें अच्छी बात यह है कि वो अगर जग जाता है तो खेला करता है, तो उसने परेशान नहीं किया था इन लोगों को, क्योंकि बाबा, काव्या और गुरु थी, तो खेलता रहा। और इसके बाद हम लोग अब आ चुके हैं पूजा की जगह पर। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेस है पूजा करने के लिए, तो वहाँ काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर जहाँ आती हूँ, पहले मैं कहीं और दूसरी जगह जाती थी, तो वहाँ पर शायद अपार्टमेंट वगैरह बन गया है, तो वहाँ नहीं रह गया, वहाँ भी काफ़ी जगह रहती थी पहले। और ये घर के पीछे वाली गली में आए हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, 5-7 औरतें ही यहाँ पर पूजा कर सकती हैं। दूसरी बात ये है कि जब फेरी लगानी होती है ना, तो फिर साइड में जगह नहीं बचती है। तो हम और देवरानी बैठ गए पूजा करने के लिए, थोड़ी जगह थी जब हम लोग आए हैं, और हमारे पीछे जो आ रही थी लेडीज़, तो फिर वो थोड़ा वेट करेंगी, जब कोई और मेरे से पहले आई हुई होंगी वो हटेंगी। तो हम तो बैठ के पूजा कर लेंगे, मम्मी जो हैं वो बैठ नहीं पाएंगी इस तरीके से। मम्मी को थोड़ा पैर फैला के बैठने का है, क्योंकि पैरों में दिक्कत रहती है, तो इतना तो जगह है नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो चबूतरा बना हुआ है थोड़ा छोटा ही बना हुआ है। तो मम्मी जो है वो पैरों की वजह से झुक के ही ऐसे पूजा करेंगी, और हम और देवरानी करने लगे हैं पूजा।